स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मौजूद हूँ बर्बादी के समक्ष, जहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टुसू मेला लगा है। हालांकि इनका खास मकसद होता है बेटियों को, बेटियाँ होती है इनका खास मकसद, बेटियों के नाम पर ही ये जो है खास मेला का आयोजन किया गया है। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद है, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद है, हमारे साथ सांसद रामदाल चौधरी जो है वो मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास होता है इस मेले में, सर क्या कुछ खास होता है टुसु पर्व में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे टुसु एक कहानी है जो एक बच्ची थी, अपना पर इज्जत बचाने के लिए जब उन पर इज्जत पर हाथ डाला लो तो उन्होंने आत्मदान कर लिया था। तो विशेष इसका कहानी राजा राम जी बताएंगे, हम लोग मोटा मोटी बता रहे हैं। तो उसी दिन से, उसी को उपलक्ष्य में ये टुसु त्यौहार लोगों ने शुरू किया उनके नाम पर। और ये झारखंड का बहुत बड़ा महान त्यौहार है, जहाँ कहीं भी रहे इस त्यौहार में लोग छुट्टी लेकर के अपना गांव घर रिश्तेदार से मिलने जुलने का भी होता है, विशेष व्यंजन का आयोजन होता है जो आपने देखा है यहाँ। सर अभी हम कुछ देखे, कुछ खा रहे थे सर, आपको क्या कुछ खास था सर, आपको कुछ खाते हुए अचानक से देखे? हम तो सब टेस्ट लिए, इसमें इसको ऐसा रोटी कहते हैं और भूसका टाइप का था, फिर छिलका रोटी जो यहाँ का है, जो यहाँ का व्यंजन है, और बड़ा मेहनत से ये जो आप मीठा रोटी खाए होंगे ना, झारखंडी खाना मीठा जो आप रोटी खाए होंगे वो ठेकी से कूटा जाता है, पिसा हुआ आटा का नहीं बनता है। कई दिन से महिलाएं ढेकी से कूट कूट के आटा निकालते हैं और ये सब बनाने का काम करते हैं। और पूरा जनवरी भर हर जगह बड़ा बड़ा मेला लगता है, सबसे पहले सती घाट में लगता था, अब उसके बाद आपको वहाँ कोचो में लगता है, सिल्ली में, और अब करीब करीब हर जगह ये मेला बड़ा धूमधाम से लोग मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं। और परिवार के लोग कहीं भी रहते हैं इस टुसू मेला में अपने घर आते हैं और अपने परिवार जनों से मिलने जुलने का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महान त्यौहार है झारखंड के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने वहाँ के खाने के बारे में बताया, तो हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ खास होता है सर, कैसा लग रहा है ये टुसू मेला जो है लगभग कोरोना के 2 वर्ष के बाद लग रहा है सर, काफी हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है सर, कैसा लग रहा है? देखिए टुसू मेला झारखंड राज्य का बहुत पुरानी मेला है और ये विशेष करके पंचकुरा क्षेत्र में बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस त्यौहार के माध्यम से जो अपनी संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको लोग याद करने का काम करते हैं। बहुत पौराणिक त्यौहार है, जो आने वाली पीढ़ी है सो इन प्रकार के त्यौहारों को आज आधुनिक जमाने में लोग मनाने का काम करें, से आने वाली पीढ़ी को भी भविष्य में इस प्रकार के त्यौहार जो हम लोग के पुरखा लोग जो वंशज लोग मनाते आए हैं उसको आने वाली पीढ़ी भी मनाने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे सर, बेटियों के लिए खास त्यौहार होता है टुसू पर्व, तो बेटियों को बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए ये टुसू पर्व जो है, जब किसान अपने खेती बाड़ी से निर्वित होकर धान काट कर खलिहान से लेकर अपने घर पहुंचाते हैं, उसके बाद वो अपने उमंग में, चूँकि इतने दिन के 6 महीना का प्रयास उनका रहता है खेती बाड़ी में, उसके बाद जब वो उससे फुर्सत होता है और ये लगभग खरमास का जो महीना होता है वो समाप्त होता है, इस खुशी में सारे हमारा विशेषकर पंचपरगना क्षेत्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पर्व है। और आज राजधानी के इस मोराबादी मैदान में सारे क्षेत्र के, झारखंड के बहुत जगह से, इच्छागढ़ से लेकर यहाँ तक जितना पंचपरगना क्षेत्र है वहाँ के लोग आए हैं और आज अपने उमंग तरंग और नाच गान ढोल, और इतना ही नहीं यहाँ का जो व्यंजन है, मिठा है और है कचरी है चिल्ला है, ये सब का उपयोग भी किया जाता है। और आज हम लोग इसी को देखने और इन लोग के बीच में अपने सबको शुभकामना देने आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इस पर्व को जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लगभग कोरोना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद जो इस पर्व को
समाज को एक संदेश देने का भी काम करता है कि बेटियों के साथ जो हो रहा है अत्याचार है, कृपया उसे उभर कर बाहर आए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, में रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।